दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? देखिए, मैं अभी सो के उठी और चाय बना रही हूँ। जब तक चाय बनेगी तब तक मैं जा रही हूँ और ब्रश कर लेती हूँ, आप फ्रेश हो जाऊँगे। तो मैं फ्री होकर आ गई और फ्रेश व्रेश होके अब थोड़ा सा खाना का तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि अब 7:15 हो चुका है और 9 बजे तो मेरे हस्बैंड ड्यूटी चले जाएंगे। तो उनके लिए तो खाना और लंच रेडी करना पड़ेगा, तो इसीलिए खाना बनाने जा रही हूँ। दाल पहले जाने बना ली, एक तरफ दाल एक तरफ चावल ऐसा चढ़ा देती हूँ। उसके बाद जाके फिर सब्जी का तैयारी करूँगी। अब देखिए, मैंने दाल तो चढ़ा दी गैस पे, अब जा रही हूँ चावल धोके लगा देते हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाएंगे। देखिए, देख सकते हैं आप, दाल चावल दाल बनेंगे, उसके बाद सब्जी बनाऊंगी और भी अगर कुछ मन होगा तो वो भी बनाऊंगी, आप लोग से शेयर करूंगी जरूर। देखिए दोस्तों, अब मेरा दाल और चावल तो बन गई है, और दाल में तड़का लगाने के लिए क्योंकि प्याज व्याज और क्या कहते हैं कि जो टमाटर वमाटर काट के रखे हुए हैं और फिलहाल अभी आलू का भुजिया बन गई, उसे अब पलट के जा रहे हैं वो दाल में तड़का लगाने। आप लोग के साथ मुझे शेयर करने में बहुत अच्छा लगता है, इसलिए आप लोग के साथ शेयर कर लेती हूँ मैं क्या बना रही हूँ, क्या खा रही हूँ। ये देखिए, मेरा भुजिया भी तैयार हो गया है। अब थोड़ा सा दाल में जा रही हूँ तड़का लगाने। फिर दोस्तों, कढ़ाई तो अब देख चुके, लेकिन मेरी बेटी जो है ना वो छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही है, उसको गोदी में फिलहाल अभी चढ़ना है, और मैं कितना देर इसको गोदी में रख के खाना बना पाऊँगी। और इसके पापा चले गए हैं दाढ़ी बनवाने के लिए, हम अकेले अब इसको भी रखे हुए हैं, इसको सोना है, लेकिन 9 बजे ये नहा लेती है, इसकी वजह से इसको अब सोने देना है नहीं मुझे। देखिए दोस्तों, देखिए अब मैं नहा धो के एकदम रेडी हो गई, खाना वाना भी बन चुकी है, और मतलब हस्बैंड को खिला के ड्यूटी भेज दी, वो चले गए ड्यूटी, और बेबी को नहला दी और खुद भी नहा धो के रेडी हो गई हूँ। अब सिर्फ मुझे खाना खाना है और कोई काम नहीं है, बस अपने लिए हस्बैंड के लिए हस्बैंड को मतलब पकौड़ा छान के खिला दी, और अपने लिए पकौड़ा रखे हुए ये काट के अब इसको जा रहे हैं छान के और फिर खाना खाएंगे। सारा काम हो चुकी है, अब कोई काम नहीं है, बस सिर्फ खाना खाना है। कढ़ाई जा रही हूँ, गैस जला रखती हूँ, कढ़ाई गर्म करूँगी और बस खाना ही खाना। लेकिन खाना खाने से पहले तो मेरी बेबी रोने लगी, उसके साथ थोड़ा सा देख लेती हूँ कि वो क्या करेगी नहीं करेगी, पहले सुला देंगी, उसके बाद क्या कहते हैं कि जो कोई भी काम देखती हूँ खाने के बारे में सोचूंगी।
बेटा काहे रो रही है? ये देखो, ये भी है, ये देखो देखो, पहले इसको भी संभालना पड़ता है। अब वो चले गए हैं तो अकेले ही देखना है। अब बेटा बिस्तर कर लेती है मम्मा, ठीक है, बेड लगा लेती है मम्मा। और ले 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 ले, ये देखो ये देखो ये देखो, बोलो हाय, बोलो हाय, बोलो तो हाय बोलो तो। शिवांगी काहे रो रही है रे, काहे कि क्या हुआ? मम्मा तुमको छोड़ के कहीं नहीं जा रही है। ये लो ये लो ये लो 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 लो, ले ले शिवांगी, मेरी शिवांगी है, मेरा बच्चा है, मेरा सोना बेटा है। ईशा मार खाएगी ईशा? देखिए इतना रो रही है ना कि मुझे कोई काम भी नहीं करने देगी। चलो मामा बेड लगा के ना शिवांगी को सुला देती है, ठीक है शिवांगी? मामा बेड लगा लेती है, फिर अपने शिवांगी को सुला दूंगी, ठीक है? देखिए वो कितना रोए जा रही है, कितना रोए, अकेले हम क्या सब करेंगे, हमको सब पता है, समझ में नहीं आ रहा। अभी अभी इतना जोरों से भूख लगी हुई है ना, तो बता नहीं सकते हैं। देख सकते हैं वो, उसको गोदी आना है और हमको गोदी लेने का भी मन नहीं कर रहा है क्योंकि मुझे भूख लगा हुआ है। ऐसे गोदी हम कैसे लें? ओके फ्रेंड, मैं अभी सुबह धूप लगा ली, बेबी रो रही है, अब जा रही हूँ उसके लिए दूध गर्म कर देती हूँ, करके उसको पिला दूंगी, फिर जाके वो चुप होगी, नहीं तो रोती ही रह जाएगी, बोलते भूख लग गया। और उसके लिए तो उसको तो उसका रोना मुझे अच्छा नहीं लगता रहता है, इस वजह से जाती हूँ दूध गर्म करके पिला दूंगी। ये देख सकते हैं दोस्तों, बेबी सो गई मेरी, हम भी जा रहे हैं खाना वाना खा के और थोड़ा देर आराम करेंगे, फिर 3 बजे तक उठेंगे क्योंकि खाना खाने के बाद तो मुझे नींद आ जाती है। फिर 3 बजे उठेंगे, उसके बाद मतलब कि देखेंगे कि क्या करना है नहीं करना है। समय अब तो 12 बज गए हैं, दोपहर के 12 बज चुके हैं। अब देखिए लाल के लिए बाय बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। मेरा वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, प्लीज़।